दोस्तों आपने मेरे पलावा सिटी के पहले के ब्लॉग्स में देखा कासा रियो का रिवर साइड प्रोमिनेंट और लेक्सो ग्रीन प्रोजेक्ट। आज मैं जा रहा हूँ कासा बेला गोल्ड, तो देखते हैं कासा बेला गोल्ड में क्या है। एक्चुअली वहाँ पे सारी एमिनिटीज हैं, मॉल, स्कूल, गोल्फ लिंक, मतलब सब कुछ है। दोस्तों ये है फुटबॉल ग्राउंड जो कि पलावा सिटी में आता है। मेरे ठीक पीछे जो दिख रहा है ये है फायर स्टेशन, पलावा का एक्सक्लूसिव फायर स्टेशन। पहुंच गए हम लोग पलावा सिटी। दोस्तों आप ठीक मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसका नाम है आई थिंक, जो कि लोधा ने एज ऑफिस स्पेस डेवलप किया है और यहाँ पे कुछ कंपनियों ने अपने ऑफिस खोलने भी स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें पहला नाम है HDFC बैंक का, जिसका ATM आपको नीचे दिख जाएगा। साथ ही साथ कुछ फेमस रेस्टोरेंट्स भी हैं जैसे शिव सागर, डोमिनोज और स्टार्क। दोस्तों आई थिंक बिल्डिंग के ठीक बगल में है लोधा वर्ल्ड स्कूल। ये स्कूल ICSE बोर्ड से एफिलेटेड है और यहाँ पे नर्सरी से लेकर 12th तक की सारी एजुकेशन एक ही जगह मिल जाती है। और इसी बिल्डिंग में नीचे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस भी है, तो यहाँ पे बैंक्स काफ़ी ज़्यादा हैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC और बैंक ऑफ इंडिया जो कि एक्सपीरिया मॉल में है। और स्कूल क्रॉस करते ही गोल्फ लिंक स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे कुछ लग्जरियस बंगले हैं और एक बहुत ही सुंदर सा क्लब हाउस। तो अगर आप गोल्फ के शौकीन हैं तो आपको यहाँ की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको ग्राउंड में जाने को नहीं मिलेगा। और गोल्फ लिंक के जस्ट बगल में है बुकिंग ऑफिस जहाँ से लोधा ने अपनी सारी बुकिंग की है। यहाँ जितने भी फ्लैट दिख रहे हैं सारी बुकिंग वहीं से हुई है। इवन दो अभी जो नया प्रोजेक्ट है उनका लेक्सो भी, उसकी भी बुकिंग यहीं से चालू है। दोस्तों मेरे ठीक पीछे जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये है PCMA की बिल्डिंग, जिसका पूरा नाम है पलावा सिटी मैनेजमेंट एसोसिएशन, जो कि इस पूरी सिटी को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आपको अपने फ्लैट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, या अगर आपको कोई सर्विस चाहिए जैसे प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन तो उसके लिए भी आपको सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। और PCMA ऑफिस के जस्ट बगल में है एक्सपीरिया मॉल, तो चलो अंदर से देखते हैं मॉल कैसा है। और हाँ यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी है जहाँ पे आप अपनी कार वगैरह चार्ज कर सकते हैं।
कासा बिला गोल्ड के अंदर घुसते ही आपको राइट हैंड साइड पे कुछ शॉप्स मिल जाएंगी, जैसे मेडिकल स्टोर, वेजिटेबल शॉप, लॉन्ड्री और ब्यूटी पार्लर। ये है कासा बिला गोल्ड का सेंट्रल गार्डन, जहाँ पे आपको हमेशा बच्चे खेलते कूदते नज़र आ जाएंगे। अभी यहाँ पे लेडी लोग का क्रिकेट चालू है और यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए झूले भी हैं, जैसे कुछ स्लाइड्स और स्विंग। तो चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। इसके जस्ट पीछे क्लब हाउस है, जिसकी बिल्डिंग आपको सीधे दिख रही है। और दोस्तों अंदर आते ही आपको दिखेगा कासा बिला गोल्ड का क्लब हाउस, और क्लब हाउस में सारी एमिनिटीज मिल जाती हैं, जैसे जिम, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम जिसमें आपका टेबल टेनिस, कैरम, फुटबॉल, सॉरी नॉट फुटबॉल। और क्लब हाउस के जस्ट बगल में है प्ले ग्रुप, जहाँ पे बच्चों को बेसिक एजुकेशन मिल सकता है। और उसके जस्ट बगल में सुपरमार्केट, जहाँ पे रोजमर्रा की जरूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और कासा बिला गोल्ड क्रॉस करते ही कासा बिला स्टार्ट हो जाता है, जिसका गेट मेरे ठीक सामने है। और ये है कासा बिला गोल्ड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं डालता रहूँगा। और हाँ, अगर आप अलावा सिटी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताओ, और जाते जाते एक लाइक तो बनता है।